दो लोगों से धोखाधड़ी करके खाते से निकाले 64,000 रुपए, दूसरे से 10,000। बरेली बाबुद्दीन पुत्र नसीमुद्दीन निवासी प्रेमपुरा के हैं और उनका खाता एकता नगर के SBI में है। 30 जून को बाबुद्दीन के खाते में 74,203। बाबुद्दीन ने 9,000 रुपए अपने मित्र पुनीत शर्मा को ट्रांसफर किए। नेटवर्क में खराबी के कारण ट्रांसफर न हो सका। दोबारा फिर ट्रांसफर किया तो बाबुद्दीन के खाते से 2 बार 9,000 रुपए कट गए। बाबुद्दीन ने गूगल से संपर्क किया। अगले दिन फिर गूगल से कॉल आई और जो व्यक्ति पूछताछ कर रहा था उसने डेबिट कार्ड नंबर और ईद पूछ ली। फिर बाबुद्दीन के खाते से 49,000 रुपए और 15,000 रुपए कट गए। बाबुद्दीन से धोखाधड़ी की शिकायत SSP से की है। वहीं दूसरा मामला संजय सक्सेना पुत्र स्वर्गीय गिरीश सक्सेना निवासी आर्य समाज मंदिर प्रेमनगर का है। उनका खाता पंजाब नेशनल बैंक के प्रेमनगर बरेली में है। इनके खाते से 10,000 रुपए 670 रुपए निकाल लिए। जब संजय कुमार बैंक गए तो बनक वाले कोई संतोषजनक उत्तेज न दे सके। संजय ने धोखाधड़ी की शिकायत SSP से की है। जी मेरा नाम वहाबुद्दीन है। क्या हुआ था पूरा? सर मेरे अकाउंट से गूगल पे में 9,000 रुपए अटक गए थे, जो कि मैं बैंक मैनेजर के पास गया, स्टेट बैंक के मैनेजर एकता नगर में। उन्होंने मुझे टोल फ्री नंबर दिया, बोले 48 आवर्स में आपके रुपए वापस आ जाएंगे। मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, 5 से 6 सेकंड में मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बात यही हुई थी कि आपके रुपए रिफंड आ जाएंगे। फिर मेरे पास 5-10 सेकंड में कॉल आया, बोले आपके 9,000 रुपए रिवर्ड होने हैं। मैंने हाँ सर 9,000 रुपए रिवर्ड होने हैं। उन्होंने मुझसे एक मैसेज दिया, उन्होंने मुझसे कहा रजिस्टर्ड नंबर से बात कर रहे हैं। मैंने हाँ साहब रजिस्टर्ड नंबर से बात कर रहे हैं। मैसेज को फॉरवर्ड कराया, मैसेज को फॉरवर्ड कराते ही मेरा डाटा हैक करके मेरे अकाउंट से 64,000 रुपये निकाल लिए गए, जिसके सूचना मैंने हैंड टू हैंड एक इनटच ब्रांच में दी। उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक करा, ना कि उनके अकाउंट को होल्ड करा, मेरे रुपए को होल्ड नहीं करा। मेरा कार्ड ब्लॉक करके मुझे एकता नगर ब्रांच भेज दिया गया, जहां मुझे 15 से 20 मिनट लगे पहुंचने में। और वहां पे मैनेजर साहब मुझसे ये कहते हैं कि ये एक ऐप से निकाले गए हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और इसकी सूचना मैंने कोतवाली दी, उन्होंने मुझसे कहा आपका केस प्रेमनगर का है। प्रेमनगर दी, उन्होंने मुझसे कहा ये बारादरी में जाएगा। बारादरी दी तो उन्होंने कहा ये साइबर सेल का केस है। मैं साइबर सेल पर शाम को आया तो उन्होंने मेल किया या नहीं किया। दूसरे दिन मैंने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देने के लिए फिर मैं उनके रेजिडेंस पे गया हूँ, तो उन्होंने भी वो मुझे वहाँ नहीं मिले। तो साइबर सेल पे उन्होंने बात करके वहाँ पे मेरी कॉपी जमा कर दी। आज मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी सूचना देने के लिए। ये मेरे साथ और मेरे मित्र संजय सक्सेना दोनों के साथ हुआ है। उनके करीब 10,700 रुपये निकाले गए और मेरे 64,900 रुपये, जो कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैंने अपने मालिक से अभी 60,000 रुपये एडवांस उठाए थे अपनी बहन की शादी के लिए। अब क्या शोषण दिया है आपको? अभी सर यहाँ पे मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, अभी मुझे बुलाया नहीं गया है अंदर। अभी जी मैं ब्रह्मपुरा इकबाल पैलेस हॉल रहता हूँ, प्रेमनगर थाना। क्या बिंदु चौक पे? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, चौकी चौराहा साड़ी संसार पर। सर मुझे ये बैंक की तरफ से लगता है कि बैंक ने जो कॉल सेंटर कॉल नंबर दिया था मुझे कॉल सेंटर का, उससे ही मेरी कॉल ट्रेस की गई है। फिर मुझे कॉल आया वहाँ से और वही बात बैंक की मिली भगत समझता हूँ। जी इसमें मैं बैंक की मिली भगत समझता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कॉल रिवर्ट आया तो उनने भी मुझसे यही बात की, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर संजय सक्सेना। क्या मामला पूछा? मेरा सर पंजाब नेशनल बैंक प्रेमनगर में अकाउंट है और काफ़ी टाइम पुराना अकाउंट है मेरा। मेरा मैडम वहाँ बैठती है, उन्होंने मेरा ATM मशीन उनकी ख़राब हो रही संभाल नहीं थी, उन्होंने मेरे ATM कार्ड अंदर लगाया, मेरे 2,500 रुपये कट गए। मैंने मैडम ये मेरे 2,500 रुपये कट गए कैसे मिलेंगे? बोले आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करिए। मैंने फ़ोन करता हूँ वहाँ पे, मैं घबराहट में अपने ATM में भूल आया, मेरे ATM खो गया, वो कोई उठा के ले गया। दूसरा उन्होंने ATM दिया मेरे लिए, उसके बाद मेरे अकाउंट में 10,670 रुपये पड़े थे, 2,500 पहले खो गए थे, वो पैसे भी मेरे गायब हो गए एकदम। और मैडम कहती है वहाँ पे, मैनेजर साहब कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, और अभी तक ना मेरे 2,500 रुपये वापस आए, आज मेरे 7 दिन हो गए, और ना ही मेरे 10,670 रुपये वापस आए। कौन सी बैंक है? ये पंजाब नेशनल बैंक प्रेमनगर। संजय सक्सेना जय ब्रह्मपुरा आर्य समाज मंदिर प्रेमनगर थाने के पास। बैंक वालों ने क्या कह दिया? कुछ नहीं, उन्होंने हमसे कोई मतलब ही नहीं है, अब जाइए, जबकि सारे घर के अकाउंट मेरे वहीं पर ही हैं। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ। बैंक कहाँ पर है? ये प्रेमनगर थाने के पास। NG News से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।